वो सब कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, कोई भी बच्चा हो, इरिस्पेक्टिव वो कास्ट क्रीड रिलीजन, उसके अंदर ना एक कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, ठीक है। ये या तो माँ बाप पहचान पाता है, या तो उसके सराउंडिंग्स या टीचर्स या फ्रेंड जो भी है पहचान पाते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखता है, अपने माँ बाप को सबसे पहले देखता है क्योंकि वही सबसे नियर बाई में रहते हैं, ठीक है। तो या तो वो उनकी तरह कॉपी करना चाहता है, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी खूबी है उसको मार के, है ना, या तो फिर वो दबाव में रहता है मम्मी पापा से कि भैया तुमको यही बनना है। तो गलतियां वहां से शुरू हो जाती है। अभिषेक बच्चन कुछ और हो सकता, बनना चाहता रहा हो, या सचिन तेंदुलकर का बेटा कुछ और बनना चाहता रहा हो, है ना। तो क्यों उसको ऐसा क्यों कंडीशन मिल गया, पहली बात कि भाई तुम क्यों फोर्स हो रहे हो, तुम्हारे अंदर का जो भी नेचुरल चीज है उसको आने दो ना बाहर निकल के। कोई भी बच्चा हो, मेरा भी बच्चा होगा या किसी का भी बच्चा, उसको फोर्स मत करो, उसको उसको ये मत कहो कि तुमको पापा की तरह ही बनना है ना। ऐसा ऐसा फोर्स नहीं आने देना, मतलब कैसे भी करके नहीं आने देना। उसके अंदर का जो नेचुरल आया है ना, उसको खुद जानने दो। अप दीपो भव का मतलब यही है ना भैया, हाँ, कि भाई अपना दीप भी खुद बनना है और तुमको खुद को जाना। हमारी इंडियन फिलोसफी में यही भी कहते हैं कि जानो अपने आप को, जानो तुमको हो कौन। यही ना, हम लोग मेन तो फोकस इसी पे दिया हमारा हर इंडियन तुम कौन फिलोसफी, हो? मतलब हाँ मतलब हाँ, हम कौन है, मतलब अपने आप को जानना है ना, अपने आप को जानो, अपने आप को जब खोजोगे तब पता चलेगा हम ब्रह्मास्मि। यही ना, मतलब मेन इंडियन फिलोसफी में तो हमारा यही मानना था, लेकिन जब हम लोग थोपने लग गए हैं ना, तो उसके कारण हर चीज का प्रॉब्लम आने लगा, फेवरेटिज्म आने लगा, कास्ट सिस्टम बिल्डअप होने लगा, मतलब हर चीज का प्रॉब्लम वहां से जब थोपना हम लोग शुरू कर दिए ना, कि यार करेक्ट, मेरा बच्चा ऐसा क्यों बन सकेगा, वैसा क्यों बनेगा, नहीं, ऐसे ही बनना है, हम जरूर बहुत सही हैं, मेरा बच्चा मेरे ही जैसा बनना है। तो थोपना वाला बहुत काम अच्छा. जब हुआ ना, तभी से मुझे लगता है ये सारा चीज, और ये भी नेचुरल, मुझे लगता हो सकता है नेचुरल हो, बट इसको नेचुरल कैटेगरी में नहीं कह सकते क्योंकि ना पता नहीं, मैं जब बाप बनूंगा तो मैं कैसा बनूंगा मुझे पता नहीं है, अभी तो कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये नेचुरल नहीं है, मुझे थोपना नहीं है बच्चों लोग को कि भाई तुमको यही बनना, देखो अपने पापा को कैसे ये बन, कैसे वो बन गया, नहीं। इसमें मेरा निशांत, ये ना नेचुरल टेंडेंसी है, ये ना हमारी हो नेचुरल सकता है, टेंडेंसी. पता हमारे नहीं, हमारे जो मैं पास फिलहाल में तो पापा नहीं हूँ। हमारे जो साथ में है या हमारे जो पास में, हम लोग पहले उनकी फिक्र करते हैं. हमारी जो फैमिली में, अगर अभी कोविड टाइम जैसे हुआ कि आसपास कई लोग भी बीमार थे, बट पहले हम लोग अपनी फैमिली मेंबर से केयर करेंगे, हमारे आसपास जो है उनकी केयर करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों की केयर करेंगे. और नहीं, ये सही केयर भी है. करना वो चीज अलग है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे एवरीथिंग, मतलब अंदर इन कोई एवरी चीज स्फेयर, नेचुरल इन है जो आना चाह रहा है बाहर निकल करके, ठीक है। अब वो किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से थोप दिया गया, या तो बोल करके थोप दिया गया कि देखो तुमको अपने बाप की तरह बनना है, या तो बाप ही बोल दिया देखो तुम मेरी तरह बनो भाई, हम बड़े बड़े एक्टर हैं, हम सब पूरा दुनिया पूछता है तुमको भी वैसा बनना। एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है. हाँ, तो ये और उसमें थोपने अभी इन से जो लोग क्या ये हुआ ना, सोचते हैं ये ना. कंटिन्यू होने लगा। अभी आप भी कह रहे हैं कि बाप का प्रॉपर्टी बेटा को मिल जाएगा, अरे मतलब या बेटी को मिल जाएगा प्रॉपर्टी, बहुत मतलब एक तो दो प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पर, तो मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी एक्टर बनेगा, वो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने जो एक्वायर किया तो मेरे जो बच्चे हैं बेटा बेटी जो भी है तो उनको भी वो मिलना चाहिए। तो दूसरे प्रॉपर्टी में ना, इसमें मार्क्सिज्म कुछ कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी, ऐसा कुछ कहता है कि भाई जब कोई क्लास ही नहीं रहेगा, उसमें फैमिली का भी ऐसा नहीं रहता है, मतलब सब सब जो है सोशल वो है, सारे इंसान जो है अपना मिलजुल के कर रहे हैं, सब सोशल, ऐसा कुछ है थ्योरी, मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ डिबेट में। अल्ताफ, यस सर, आपका इसके बारे में